हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के त्रिकोणमिति में ऊंचाई एवं दूरी से 20 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाती है तो एक बुर्ज की छाया 45 मीटर बढ़ जाती है। बुर्ज की ऊंचाई मालूम करे। जैसे बुर्ज खलीफा होता है, देखिए उसी तरह से बुर्ज मतलब कोई ऊंची वस्तु है, ठीक है। तो उसकी छाया जो है वो उस सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाती है तो उसकी छाया 45 मीटर बढ़ जाती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें करना यह है कि एक बुर्ज बना लेना। देखिए ये मान लीजिए कि बुर्ज, ठीक है, यह बुर्ज, ठीक। अब यहां पे मान लीजिए कि सूर्य, ठीक है, यह सूर्य, जब सूर्य की रोशनी इस पे पड़ेगी तो छाया बनेगी। तो मान लीजिए इतना था, ठीक है, और यहां से इसको मिलाने पर मतलब इस बुर्ज की जो छाया बन रही है इतना बन रही है। छाया कहाँ बनेगा? जमीन पे। कोई भी वस्तु होती है इसकी छाया जमीन पे बन रही है तो छायातल स्थल पे ये बना। तो मान लीजिए ये बुर्ज है और इसकी छाया ये बनी। तो यहां से जब इसको शीर्ष को देखा जाता है, ठीक है, तब जाके जो कोण बनता है वो 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री, राइट। उसके बाद क्या हो जाती है? बदलकर 30 डिग्री हो जाती है, ठीक है। तो जब 30 डिग्री होगा तो ये छाया थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना, ये छाया जो है सो बढ़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक ना। तब जाकर के जब जो उन्नयन कोण बनता है ये 30 डिग्री हो जाती, ऐसे कहा। तो देखिए ये है ऊर्ज ए बी, ठीक है, और इसकी छाया बी से सी बन रही थी, ठीक है। कुछ समय के बाद ये क्या हुआ कि इसकी छाया की लंबाई बढ़ जाती है डी तक, तब जाकर के कोण जो बनता है कितना डिग्री का? 30 डिग्री का बनता है। कितना मीटर बढ़ जाता है? तो 45 मीटर। कहने का मतलब यहां से यहां की जो दूरी है छाया की वो 45 मीटर है, पहले से बीसी था इतना बढ़ जाता, ठीक है। तो कहा है बुर्ज की ऊंचाई मालूम करे। तो देखिए यहां पे बुर्ज की ऊंचाई क्या है? ए बी। ये ए बी हमें ज्ञात करना, ये हमें ज्ञात करना, ठीक है। आगे छाया ये 45 मीटर दिया हुआ है, यानी कि इसमें डीसी हमें ज्ञात, डीसी 45 मीटर, ठीक है। बीसी को रहने देते हैं, मानने की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए समकोण त्रिभुज, एबीसी में, एबीसी में यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी में टैन 60 डिग्री बराबर पी बाई बी के हिसाब से एबी बटा बीसी हो जाएगा। क्या होगा? ए बी बटा बी सी। देखिए टैन 60 डिग्री है, 60 डिग्री के हिसाब से पी ए बी और बटा बी सी यानी आधार, ठीक है। अब टैन 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट थ्री बराबर ए बी बटा बी सी। मैं यहां से बी सी ज्ञात कर लेता हूं तो बी सी जो होगा वो हमें मिलेगा कितना? ए बी बटा रूट थ्री, ये बी सी हो गया। इसको चाहे तो एक मान सकते हैं। फिर समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में टैन 30 डिग्री बराबर ऊंचाई वही रहेगा ए बी बटा, इसके सामने वाले भुजा ए बी बटा आधार। अब बड़ा सा त्रिभुज है तो यहां से यहां तक यानी बी डी हो जाएगा,
टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और इसे मैं लिख सकता हूं ए बी बी डी। बी डी जो है वो क्या है, यहां से यहां तक बी डी है, तो ये जो बी डी है इसको मैं लिख सकता हूं बी सी प्लस सी डी, आया ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो वही चीज यहां कर देना है, ये बी डी जगह के जगह पर बी सी प्लस सी डी लिख लेना है। अब देखिए 1/√3 और ए बी, तो ए बी रहेगा बी सी, देखिए यहां बी सी निकल के आया हुआ है कितना, ए बी बटा √3 आर प्लस सी डी, तो यहां सी डी पहले से पता है 45 मीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 45 मीटर। बाय क्रॉस करेंगे इससे इसका, तो हमारा क्या होगा कि ए बी बटा √3 प्लस 45 बराबर, इससे इसका गुणा करेंगे तो √3 ए बी हो जाएगा। अब साइड चेंज करेंगे, ठीक है, जब साइड चेंज करेंगे तो देखिए मैं इसे लिख सकता हूं, देखिए √3 ए बी ये वाला, ठीक है, माइनस ए बी बटा √3 बराबर 45, ठीक है। अब देखिए इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो लसा हो जाएगा √3, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक एक से भाग देंगे √3 में, तो √3 बार कटेगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab होगा। अब माइनस देखिए √3 से √3 में भाग देंगे, एक बार कटेगा, एक से ab में गुना कर देंगे तो ab हो जाएगा बराबर 45, ठीक है। आगे देखिए, घटने के बाद 2ab बटा √3 बराबर 45 हो जाएगा, ठीक ना। अब ए बी की अगर बात करें तो 45 गुना ये 2/√3 है तो इधर जाएगा तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए बी बराबर क्या होगा, तो देखिए इससे इसको अगर हम काटे 2 से 45 को, तो यह 22.5 होगा, ठीक है। अब गुना √3 का वैल्यू डाल देते हैं 1.732, अब इसका गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना, तो 1.732 में 22.5 से गुना करना, देखिए 5 × 10 के 0 हासिल 1, 5 × 15 116, 7 × 5 = 35, 1 × 36 = 6 हासिल 3, 5 × 5 = 3, 8। फिर 2 से गुना करेंगे, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 7 × 14 = 4 हासिल 1, 2 × 2 = 1, 3। फिर 2 से गुना करेंगे तो इतना ही 4, 6 = 4, 3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देना है तो 0, 6 × 4 = 10 के 0 हासिल 1, और 6 × 6 = 12, और 4 × 6 = 12, 4 × 16 के 6 हासिल 1, 6 × 4 = 10, 18, 1 × 19 के 9 हासिल 1, 4 × 3 = 7 और 1 = 8 और 3 का 3। अब यहां पर ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव, नीचे 1 अंक के बाद दशमलव, तो कितने 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, तो कितना आया 38.96 आया, तो इसको मैं मान लेता हूँ कितना 97, क्योंकि देखिए ये 95 से ज्यादा, तो ऊपर ये पूरा जाएगा 96, 97 इसको लगभग मान सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी का जो वैल्यू होगा वो 38.97 इसकी ऊंचाई निकल के आ गया कितना 38.97। तो उम्मीद है कि जो प्रश्न मैंने हल करके बताया वो आप समझ पाए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।